लगाने आई हूँ। आप देख सकते हैं मैं तुलसी पूरी सूख चुकी थी, इसमें भी फिर से हरी भरी होने लगी है, पत्तियाँ आ चुकी हैं 4 से 5। पहले एक ही पत्ती आई थी, ये देखिए मेरा कड़ी पत्ता, ये बिल्कुल इसकी सारी पत्तियाँ मैं सूख गई थी, इस बिल्कुल हटा दिया था। और ये देखो इस पर भी हरी भरी पत्तियाँ आ गई हैं। इसमें ये आप देख रहे हैं ये समुद्री बेल कहते हैं इसे, ये मैंने एक पत्ती लगाई थी, इसमें नई पत्तियाँ भी आने लगी हैं। ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है, ये चारों तरफ मैंने धनिया की पत्तियाँ ग्रो कर दी, टमाटर का पौधा निकल आया है, मेरे स्नेक प्लांट ग्रो हो रहा है। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये मैंने ड्रैगन फ्रूट का बहुत छोटा सा बीज होता है ऐसे लगा दिया था, ड्रैगन फ्रूट का प्लांट भी आ चुका है। देखिए और ये शिमला मिर्च का प्लांट निकल आया है, इसके बीज डाल दिए थे मैंने। ये देखिए ये भी शिमला मिर्च के प्लांट है, ये मनी प्लांट की जो दूसरी वैरायटी थी उसकी सिर्फ डंडी बची थी यहाँ पर, उससे दोबारा लीफ निकले हैं। ये मेरा मनी प्लांट ऊपर जा रहा है, ये गोदावली बिल्कुल सूख चुका था, ये इसमें येलो कलर का फ्लावर आता है, और इस पर भी आप देख सकते हैं सारी हरी भरी पत्तियाँ। ये केयर के कारण हर चीज़, इंसान हो चाहे पेड़ पौधे, सबको केयर की ज़रूरत होती है। मैंने इसकी गुड़ाई करी, इसमें पानी दिया नियमित रूप से, अंकुरित सब्जियों का पानी डाला। ये देखिए ये चिली प्लांट है, मिर्ची का पौधा, मिर्ची डाल दी थी, तीखी मिर्ची है ये, और ये अपने आप आ गया है सदाबहार का। ये बेल देख रहे हैं आप, इस पर पर्पल कलर का फ्लावर आता है, ये चिड़ियाओं ने बीज डाल दिया है इसमें, अब बेल अपने आप जा रही है ये ऊपर को। और ये देख रहे हैं ये गोदावली के बीज, इस तरह से इसमें फ्लावर आएंगे बहुत बड़े बड़े। स्नैक प्लांट है, मैंने चिड़ियाओं के लिए पानी रखा हुआ है, मेरी बुलबुल आती है जो हम खाते हैं, हम उसको भी खिलाते हैं, वो फ्रूट ही खाती है बस। देख सकते हैं फिर से मेरे पेड़ पौधों ने ग्रीन कलर ले लिया है।